आज हम फ्रूट कस्टर्ड टार्ट बनाएंगे। ये बहुत ही यमी डेजर्ट है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्लास फुल क्रीम मिल्क लिया और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। अब हमारा मिल्क बॉईल होने लगा है तो हम इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे। फिर से एक बार अच्छे से उबालेंगे। अब हमारा मिल्क बॉईल होने लगा है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को ऐड करने से पहले मैंने ये 2 चम्मच यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया, उसको थोड़ा सा मिल्क डालकर इस तरह से लिक्विड कर लिया हो। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड करेंगे और स्पून से बराबर हिलाते जाएंगे, नहीं तो ये थिक हो जाएगा। अब हम अपना सारा जो हमने पाउडर का घोल बनाया था उसको उसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक हमें इसे इसी तरह पकाना है। लगभग 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है तो अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ये कस्टर्ड ठंडा होता है तब तक हम टार्ट बनाते हैं। टार्ट बनाने के लिए मैंने ये 2 से 3 चम्मच पिसी हुई शुगर ली है, 1 कटोरी मैदा, 1 पिंच मैंने ये सॉल्ट लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी मेल्टेड बटर ऐड करूंगी और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और 1/4 स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसका एक इस तरह से डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा डो तैयार हो जाएगा और अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। हमारा डो बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है तो अब हम इसको बेकिंग पेपर पर रखकर इसकी एक पतली सी पूरी टाइप्स बनाएंगे। इसको हमको हल्के हल्के से ही बेलना है। हम इस तरह से अपने डो को बेल लेंगे। अब हमें जिस बेकिंग ट्रे में इसे रखना है उसमें इसको डालेंगे। अपनी इस जो पूरी मैंने बेली है उसको धीरे धीरे इस तरह से निकालना है। और हमारी जो ट्रे है उसके अंदर इस तरह से डाला। अब हम इसको अच्छे से चारों तरफ से जहाँ जगह बच गई है वहाँ इस तरह से डालकर अच्छे से इस तरह से जमा देंगे। अब हमारा टार्ट इस तरह से अपनी ट्रे में हमने जमा दिया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा फॉर्क से इस तरह कर देंगे ताकि ये बीच बीच में से कहीं से फूले नहीं। टार्ट को 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको 1/2 से 1 घंटे तक ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम कस्टर्ड के लिए कुछ फ्रूट्स काट लेते हैं। हमारे अब फ्रूट्स भी मैंने पूरी तरह से चॉप कर लिए हैं। हमारा टार्ट भी ठंडा हो गया है और हमारा जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसको अब डेकोरेट करते हैं। हम अपने टार्ट में जो हमारा ठंडा कस्टर्ड है उसको इस तरह से डालकर अच्छी तरह से चारों तरफ
फैला लेंगे। जब हमने चारों तरफ से इसको अच्छी तरह फैला लिया है तो अब हम इसमें अपने फ्रूट्स रखेंगे। मैंगो इस तरह से डालकर बना देंगे, चॉप किए हुए ग्रेप्स, टूटी फ्रूटी, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालकर इसको और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। मैंने बादाम को पतला पतला चॉप कर लिया है, ये हमारे काजू, हमारा जो टार्ट है वो अब पूरी तरह से डेकोरेट होकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर इसको पूरी तरह ठंडा करेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसके चाकू से पतले पतले इस तरह से टुकड़े करेंगे। हम अपने टार्ट के इस तरह से पीस करके इनको सर्व करेंगे। आप भी खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। थैंक यू।